हुण पहुँच चुके हैं रोड़ी दे विच गऊशाला जो कि संत जमुना मुनि जी गऊशाला। इत्थे सब नूं पता है कि संत जी चोला छड चुके ने ते उहनां दे हुण गरुड़ दे भोग दे चल रहा गा। उत्थे हुण लगातार इत्थे लंगर की सेवा संगतां वल्लों लगातार चल रही है। देखो इधर सेवादार भी अपनी सेवा निभा रहे हैं। मैं कैमरा मैन नूं कहूँ कि सारा गऊशाला दे सारा एक एक चीज़ संगतां नाल शेयर जरूर कर लिए। लड़ी ले आया करूँ मैं तो क्वार्टल भार दा चक लैनी। बाबा जी मैं पिंड चो मतलब जिमीदार दे लिया लिया के ढेर लाता। फिर जो सवतान सवाब तो हो गई तो अब मतलब भगती इन्हों की मैं कहना बच्चा है मैं तुम्हें कहड़ा पता नहीं मैं मखौल कर दे। इन्होंने फिर बाबा जी पहला तो बेटा इन्होंने मैं खखड़ी दी। खखड़ी दे के बचार दी मैनू अंब देता। फिर ना वो निगाह थोड़ी जी घट सी बाबा जी की गुरुआं की सोम प्रकाश की। उन्होंने फिर खखड़ी देती कहना लै दो अंब तो एक खखड़ी। मैं दूजी भी आ खखड़ी है कहना चला के मार। मैं ना सत वचन बाबा जी मैं चला के मार। दसवें मास मेरे फिर वो बड़ी गुड़िया हो गई। फिर ये साल भर तो बाद इतने फिर इन्हों मतलब समाधि ली इन्होंने वह कर जो गुरु मनिया जमुना मुनि बाबे ने पहली बार द जमुना मुनि फिर फकर फिर ये दास तीजा मतलब चेला देवादास है। बहुत ही करने वाले संत सी। हाँ जी फिर ये बागे इतों जटाने साढ़े नाल बाबा जी भी जुड़ चुके असी इन्हों विचार भी सुना। करने वाले संत तो यह इन्ने सी ना जी। इन्होंने जिहड़िया मेरिया विचारा मेरे जिहड़ा कुछ मेरे ना मैं देखा है बहुत कुछ देखा मैं इन्होंने सिर पर। इन्होंने मेरी चार बारी जिंदगी बचाई भी है। सारा डूबना मख्याल मेरे सिर पर बहाया हुआ इन्होंने। एक्सीडेंट वेले मेरा तड़के 6 बजे एक्सीडेंट 7 बजे एक्सीडेंट होंगे। एक 12 बजे उठ के पाठ पूजा करते हैं। असी 12 बजे पंप तो उठ के तलवंडी अड्डे च बग गए। सानू जो चौकीदार ने पूछा कहना भी तुसी की गल यार तुसी सदेहा आ गए। असी यार नहीं साडा टाइम हो गया। वो कहने हे तो रात के 12 बजे ने। मेरा 93 च मेरा एक्सीडेंट होया। एक्सीडेंट 93 च होया। लोगों ने कहता भी ठाणा सिंह मर गया जी। बाबे ने आउंस आके कहा। वो कहते भी मरिया नहीं बाबा ज्यो भी उन्होंने कुछ नहीं होंगे। मेरा बच्चा है डक्का नहीं होंगे उसनों थोड़े सामने होगा। आ उन्हों की कृपा है जी जी मैं तुरया फिर एड्डी इन्हों की नेचर। रात को यह 12 बजे पाठ पूजा कर लागे। मैं 12 बजे उठ के असी अड्डे च बग गए। साढ़े नाल भोला सिंह जी जुड़े हुए असी इन्हों के विचार क्योंकि काफ़ी इन्हों का प्यार रहा संतान असी इन्हों के विचार भी सुना। हाँ जी अस तो यही कहने भी ये संत लोग तो कहते भी सौं के लखा के मतलब करोड़ों के भी मतलब बिरले संत मिलने अरबा करोड़ों के। अच्छा फिर आप सारे जने जुड़े हुए थे मतलब कोई भी यहोजा आदमी नहीं होगा जिन्हों मतलब प्रतख इन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मतलब सब तो बड़ी यह हो रही है। अच्छा जी फिर अज इन्ह शरीर जरूर जा चुकेगा हाजर नाजर इतने इन्ह ये हर टाइम इतने इन्ह। अच्छा इन्हों की जी मौजूदगी हैगी हर टाइम रहूगी। तो हर टाइम ही मतलब कोई भी आदमी आस्था ना इतने आया है पहला भी आया तो हूँ भी जो आते रहे उन्होंने आस्था सदा ही इन्होंने पूरी की हूँ भी होंगे रहने हूँ तो ये सदा विराजमान रहेंगे जी। चलो असी होर भी संगत के दर्शन करावे तो उन्होंने विचार सुनावे। मेरा नाम बंटू जिंदल है। मैं डॉक्टर फूलचंद जिंदल का लड़का है। जदों बाबा जी 1974 दे विच बाबा गौसपुरी ते आए बाबा गौसपुरी ते यह आए तो उदों इन्हां नूं पंजाबी समझ नहीं सी आउंदी। ये हिंदी समझदे सी। पापा जी पढ़े लिखे होण करके पापा जी इन्हां कोले घंटा घंटा बैठे रहिंदे सी इह गल्लां करदे रहिंदे सी। गरीबी उन्हां टाइमां च सीगी ते जदों भी कोई दुध पानी आउंदा बाबा गौसपुरी ते साधु बाले रहिंदे सी। इस करके यह मतलब जो कोई सी ओह वंडे पैंदे सी दुध दे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ 5 ਰੁਪਈਏ ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭਜਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 1974 'ਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਉੱਚਾ ਗਾਮ। ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮੁਨਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਮੁਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ
तो हूँ तू दुबारी बार इस काम च ना आ, तू हूँ गृहस्थी ना पढ़ा। ये दुबारी बार फिर गुरु को आए, कहते मैं भगती करनी है। फिर गुरु जी इन्हों गुरु जी का नाम है संत सोम प्रकाश। संत सोम प्रकाश जी ने फिर इन्हों छपड़ी पर भेजा। छपड़ी इन्होंने आप पट्टी हैगी, इन्होंने लगभग 2 सालों के छपड़ी आप पट्टी, जो ये थक जाते उदो हट जाते लगभग 2 साल ताई ये छपड़ी वाले बजते हैं। 2 साल ये उस तो बाद मेल साडे पिता जी 77-78 के दोबारा होंगे है। उस तो बाद इन्होंने रिद्धियां सिद्धियां सारिया प्राप्त कर लिया। हाँ जी, अब सुनो मैं दर्शन करा रहे बाबा जमुना मुनि जी, जो कि सबनों पति है कि अकाल चराणा कर गए थे। उन्होंने 7 तरीक न गुरूड़ का भोग है। असं साढ़े सरपंच साहब न गलबात करा। सरपंच साहब सत्या जी। हाँ जी, संगतान दसो कि किस दिन का संतान जी का भोग है जी, ताकि जो भी दूर नेड़े संगत बैठिया कई बार नहीं पता लगता तो वह संतान के उस दिन भोग के हाजरी ला लें जी। संत जमुना मुनि जी महाराज छपड़ी वाले 7/2/2021 दिन रविवार गौशाला रोड़ी दोपहर 12 बजे भोग पवेगा। ठीक है जी, थोड़ा जहा विस्तार यदा दस दो भी संत कि टाइम हो गया इतने रोड़ी के निवास करते जी, कि एज सी संतान की। कई बार क्यों दूर बैठे होंगे, कोई बाहरले देशों के साडे गुरमुख प्यारे बैठे होंगे, उन्होंने भी पता लग जाता क्यों चाहन वाले होंगे, उन्होंने ये चीज़ का पता होना चाहिए कि साढ़े संत जी किन्ने सालों के होकर चोला छड़े जी। संत जमुना मुनि जी महाराज सन 1990 के गऊशाला रोड़ी का नियो पत्थर रखन वास्ते आए सी, और उस तो बाद रोड़ी दे विच ही विराजमान रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का कि सानू समा दिता। असी साडे कैमरामैन नूं कहवांगे नज़दीक हो के संतां दे संगत नूं जरूर दर्शन करवा दिओ। संत जमुना मुनि जी महाराज सब तो पहला बाबा गौसपुरी जी की समाधि के विच सन 1974 के आए सी। ओह संत सोमनाथ जी दे चेले सी। फिर उदू बाद संत सोमनाथ जी ने उन्होंने जटाणा छपड़ी कला दे उत्ते बिठा दिता सी। हुण बाबा जी दे मेरा गद्दी तो बाद किन्हां नूं गद्दी दा कोई इस तरह का हुण उन्हां दे मुख चेले संत सीता राम जी नूं उन्हां दी थां ते गद्दी दित्ती जाएगी। धन्यवाद जी। सिख संगतां नूं ये साडा वीडियो दिखाउण दा बहुत ही जरूरी सीगा, क्योंकि जिवें भी कोई दूर नेड़े साढ़े वीर भाई प्यार करते साढ़े संतां नूं सतिकार करते कि उन्हां तक ये मैसेज जावे कि 7 तरीक नूं जरूर इत्थे रोड़ी दे विच गौशाला दे विच जरूर पहुँचो। धन्यवाद।